मोदी की रैली में मैडम चित्रा की दोस्तों जमकर आज फजीहत हुई है। अब गोदी पत्रकार की ये नौबत आ गई है कि उसको मोदी की रैली के गुणगान करने का काम मिल गया है, ठेका मिल गया है कि कैसे मोदी जी का गुणगान करना है। लेकिन उस गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की जो फजीहत हुई है, जो मरम्मत हुई है मोदी जी की रैली को लेकर, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे मैडम चित्रा की मोदी की रैली पर फजीहत हुई है, क्योंकि अब ये पत्रकार की भेष में पत्तल का दलाल बन चुके हैं, तो जनता इनकी ऐसी ही बैंड बजाती है। अब मैं बात कर रही हूँ गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की, जो आज सुबह से ही अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। अब आप सोचिए कि पत्रकार का काम क्या होता है, कैसे सवाल पूछने होते हैं। पत्रकार का काम ये होता है, ये पूछना होता है कि मोदी जी आप कितनी बार खाते हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं है। ये हाल है गोदियों का। और जब सरकार से सवाल ना करोगे तो जनता ऐसे ही धर दबोचती है। वही हाल मैडम चित्रा का हुआ है। जैसे आज मोदी की रैली को लेकर मैडम गोदी दलाल को दबोचा गया, चित्रा त्रिपाठी को जमकर फजीहत किया गया, जमकर उनको दुत्कारा गया। दरअसल पूरी कहानी क्या है हम आपको बता देते हैं दोस्तों। गोदी पत्रकार आज तक की चित्रा त्रिपाठी कैसे मोदी योगी को खुश करना है, कैसे उनका गुणगान करना है वो कर रही थी, उनको महान बनाने का काम कर रही थी। वैसे तो ये काम कई सालों से हो रहा है, लेकिन आज मोदी जी की रैली की बात थी तो मैडम बुलेट रिपोर्टर ने मोदी जी की वाहवाही करते हुए लिखा, गोरखपुर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, पूर्वांचल का ये हिस्सा हमेशा उपेक्षित रहा, मगर अब सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया गया है, खूबसूरत स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है, रामगढ़ ताल बहुत कुछ है गिनाने को, एयरपोर्ट के पास बना एम्स जिसकी पूर्वांचल को बहुत ज्यादा जरूरत थी। यकीनन बीते 4 सालों में गोरखपुर तो बदल गया, इस तरह के ट्वीट्स किए मैडम चित्रा त्रिपाठी ने। आज ही मैंने कहा था कभी इन लोगों ने विपक्ष को लेकर ये सब कभी तारीफ नहीं की है, लेकिन जैसे ही मोदी की रैली थी वैसे ही चित्रा का जो ट्वीट था वो सामने आ गया, और लोगों ने चित्रा के इस ट्वीट का जो चीथड़ा उड़ाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ, एक यूजर ने लिखा, मोहतरमा विकास की बात तो कीजिए ही मत, आप एक रिपोर्टर हैं, आप उत्तर प्रदेश की यथास्थिति से अवगत कराएं, आम जन को कैसे रेप कानून व्यवस्था का खस्ता हाल के बारे में बात करो। अगर विकास ही करवाती रहोगी तो योगी जी तो विदेशों की बिल्डिंग और पुल उत्तर प्रदेश के नहीं बताते, कुछ तो शर्म करो। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि हथनी की मौत पर दंगल करने वाली मीडिया नागालैंड के 13 निर्दोष आदिवासियों की हुई हत्या पर खामोश क्यों है, नागालैंड आदिवासी नरसंहार। वही एक और यूजर ने लिखा कि वाह नैनो चिप वाली आंटी जी, वाह सुबह सुबह पहला ट्वीट ही भाजपा भक्ति वाला किया है, लोग तो सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर शुरुआत करते हैं और आप पत्रकारिता में भाजपा भक्ति से शुरुआत करती हैं। वैसे याद दिला दे कि बंगाल चुनाव में आपकी बुलेट पंचर हो गई थी और अब उत्तर प्रदेश चुनाव में। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि चित्रा जी यूपी चुनाव में आपको किस विधानसभा से टिकट मिल रहा है, क्योंकि आप भी भरपूर प्रचार में लगी हुई हैं सरकार के। वहीं एक और यूजर ने लिखा दोस्तों कि दलाली खत्म हो गई हो तो बेरोजगारी पर भी बोलिए कि कितना बदलाव हुआ है, सरकार का काम गिनाने के लिए सरकारी तंत्र मौजूद है, तुम एक बार तो बेरोजगारी पर सवाल पूछ लो, हद है दलाली की। दोस्तों वही एक और यूजर ने चित्रा त्रिपाठी को आईना दिखाते हुए कहा कि सही कहा, पूर्वांचल विशेष कर गोरखपुर बदल कर पश्चिमी यूपी हो गया है, जहां से लोग अब घर बेचकर पलायन को मजबूर है। वही एक और यूजर लिखते हैं कि आई एम कंफ्यूज्ड कि ये ट्वीट बीजेपी से है या मीडिया से है। दोस्तों सोचिए किस तरह से लोग ट्वीट्स कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप पत्रकार हैं या बीजेपी की प्रवक्ता, जो आप इस तरह के ट्वीट कर रही हैं और सरकार के कामों का बखान कर रही हैं, जो सरकारी तंत्र को करना चाहिए जो सरकारी तंत्र कर रहा है। वही एक लिखते हैं कि दलाली में थोड़ी हिम्मत दिखाओ, ये दिखाने की तुम्हारे भी घर जद में आ सकते हैं। वही एक और यूजर लिखते हैं कि विकास पर लेक्चर देना, अभी रविवार को एग्जाम था और ओका फैजाबाद बस स्टैंड पर 500 बसें खड़ी थी, लेकिन रैली में जाने के नाते इलाहाबाद नहीं आई, इतना झेलना पड़ा हम लोगों को कि 2 गुना किराया देकर दूसरे साधन से इलाहाबाद आए।
आप लोग एकदम आंख मूंद लिए हैं क्या जनता के सरोकारों से। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि चित्रा जी ये एयरपोर्ट कहाँ का है जो बीजेपी के लोग इसे उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं, क्या यही विकास करवाया है 5 सालों में योगी जी ने। वहीं एक और यूजर चित्रा त्रिपाठी को बताते हैं कि गोरखपुर की गलियों में जब बरसात में नाव चली तब आप चुप, व्यापारियों की होटल में पुलिस द्वारा हत्या हुई तब भी आप चुप, बच्चे इलाज के अभाव से मर गए और मर रहे हैं तब भी आप चुप, और जब बात चमचागिरी करने की होती है तो हमेशा आप फ्रंट पर मिलती हैं। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि पत्रकारिता कीजिए, किसी पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर मत बनिए, वैसे ब्रांड एम्बेसडर अच्छा शब्द है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि गोरखपुर का पिछला एक हफ्ता, चित्रा त्रिपाठी को बताते हुए एक यूजर लिख रहे हैं कि सोमवार को बड़हलगंज में महिला की हत्या, बुधवार को रामगढ़ताल क्षेत्र में अंकुर शुक्ला की हत्या, शुक्रवार को गोरखपुर कोतवाली इलाके में व्यापारी की हत्या, रविवार को झंगड़ाहा में चाचा भतीजे की हत्या, रविवार सोमवार रात को गोरखनाथ एरिया में युवक की हत्या। वहीं एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं एक कतई चाटुकारिता वाला ना कहते हम, यदि वो कानपुर वाले व्यापारी की इसी गोरखपुर में हुई पुलिस द्वारा निर्मम हत्या के विरोध में यदि आपका एक भी ट्वीट आता तो हम इस तरह का ट्वीट नहीं करते। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि बनाया कुछ नहीं बिगाड़ा बहुत कुछ, ओबीसी और दलित का शोषण किया गया, संविधान का खूब अपमान हुआ, देश को निजी हाथों में सौंपने का कार्य जारी है, 59,000 शिक्षक भर्ती के महाघोटाले में 22,000 सीटें सवर्णों को दान में दे दी गई, किसानों का घोर अपमान किया गया, आसमान छूती महंगाई भ्रष्टाचार, इस तरह से लोग चित्रा त्रिपाठी को लिख रहे हैं दोस्तों। वहीं एक और यूजर ने चित्रा त्रिपाठी के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि आप तो सबसे पहले प्रचार में लग गई चित्रा जी, आप अब आज तक छोड़ देना चाहिए और इस बार विधानसभा 2022 यूपी में लड़ लीजिए। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि बुलेट रानी गरीबी वाले इलाके को आगे लाओ तभी सही पता चलेगा यूपी का असली विकास, बुलेट रानी आप कहीं बीजेपी के लिए तो काम नहीं करती। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि बीते 7 साल में पूरा का पूरा भारत बदल गया मैडम, गोरखपुर क्या चीज है, अब राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता की बजाय खुद पत्रकारों ने ले लिया है और क्या बदलाव चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से तमाम यूजर्स ने चित्रा त्रिपाठी के इस ट्वीट पर जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है हमने आपको पूरा ट्वीट दिखा दिया कि क्या कुछ लिखा गया है, और भी बहुत सारे ट्वीट्स किए गए हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, लेकिन आपने देखा ये सिर्फ और सिर्फ चित्रा त्रिपाठी के कमेंट्स है जो यूजर्स ने उन्हें आईना दिखाया है कि आप सोचिए कि देश किस कदर गुस्से में है, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, हर तरफ से लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लेकिन मैडम चित्रा त्रिपाठी मोदी जी को महान बनाने में, योगी जी को महान बनाने में लगी है कि कितना विकास हो गया है गोरखपुर में। अगर विकास हुआ भी है, अगर चित्रा त्रिपाठी को लगता है कि बहुत ज्यादा विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है तो वो अपनी तरफ से बात करें कि हाँ चलो ठीक है, अपने आप तक रखें, लेकिन सरेआम सोशल मीडिया पर ये बता रही है, ये गुणगान कर रही है कि वाकई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विकास ही विकास हुआ है, तो आप सोचिए किससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी, जब इन्हें मुद्दों पर बात करनी चाहिए, सरकार से रोजगार पर मांग करनी चाहिए, आज तक इनसे इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। अभी हाल ही के दिनों में 3-4 रोज पहले जो उत्तर प्रदेश की हालत थी, किस तरह से बेरोजगार युवा सड़कों पर थे, एग्जाम्स कैंसिल हो गया था, लेकिन इन लोगों से एक ट्वीट नहीं हुआ कि ये सरकार से पूछे कि भाई नौजवान छात्र सड़कों पर है, परेशान है, आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, लेकिन इनसे होता नहीं है ये चीज, इनसे सिर्फ होता है कि कैसे मोदी योगी और अमित शाह पूरे भारतीय जनता पार्टी को महान बनाकर दिखाया जाए, जो कि मैडम चित्रा हो या तमाम गोदी पत्रकार हो इस तरह की चीजें करते हुए नजर आते हैं, और करने के बाद जिस तरह से इनका छींचा लेदर होता है वो आप देख सकते हैं कि कैसे इनके ही ट्वीट पर लोगों ने जाकर इनका पोस्टमार्टम कर दिया है कि देखिए सच्चाई क्या है उत्तर प्रदेश में, लोग क्या सोचते हैं, आप उनकी बातों को तो नजरअंदाज कर देती हैं लेकिन
बीजेपी की बातों को सरेआम पब्लिकली लाकर बता रही है कि इतना विकास हुआ है। अगर विकास होता तो हम लोग आज इस तरह से सड़कों पर नहीं रो रहे होते, नहीं सरकारी डंडे खा रहे होते, लेकिन ये काम आपने बंद कर दिया है। सिर्फ चाटुकारिता का काम करना आपको आता है। इस तरह से तमाम यूजर्स चित्रा त्रिपाठी को आईना दिखा रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है दोस्तों चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्टिंग को लेकर, मोदी जी के इस ट्वीट्स को